तो क्या कल वाकई सुकून पाता है जिक्र से बिस्मिल्ल रक्मीम बिलल भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं मोहतरम को जदाकल्ला कहना चाहूँगा बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा मोहतरम ने और दूसरा आप जो फरमा रहे हैं जिक्र के हवाले से तो जिक्र बुनियादी तौर पर जिक्र को अगर आप तकसीम करेंगे तो बुनियादी तौर पर पहले तीन हिस्से आएंगे जिक्र के हाँ एक वो हिस्सा होगा जो अमली होगा एक वो हिस्सा होगा जो लिस होगा एक हिस्सा होगा अमली दूसरा हिस्सा होगा लिसानी फिर तीसरा हिस्सा होगा जो लिसानी जबान से जुबान से तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा कैफ़ी यानी कल भी कल भी और जिस तरह आ, हमारी जी बहन कह रही हैं कि इस शिकर से सुकून मिलता है तो अल्लाह करीम का मुबारक नाम है यकीन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे बंदा इख्तिला कर सके कि इससे सकून नहीं मिलता इसलिए कि एक तो है ना कुरानो अदीस का फरमान अजमा हम तक तहक़ीक वाक़ एक होता है आप अब जब इस सारे के तहत ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरते हैं तो मैंने ये देखा है और अजीब बात यह है कि गैर मुस्लम में देखा है कि गैर मुस्लम है और उसे अगर अल्लाह का नाम बताया गया और उसने उसकी तस्वीर या जिक्र किया है तो उसने एट द साइट एक्सेप्ट किया है कि इससे मुझे ठहराओ और सुकून मिलता है तो बंद मोमिन तो बतौर तवार सारा दिन उसे मुखातब फरमा रहा है क्या बात तो यकीन इससे सुकून नसीब होता सकुन है नसीब लेकिन होता। जो मकसद है इबादत का वो तामीले हुक्म है थीक उसके नतज में अजर व उसके नतज में आपको मज़ीद वर तकवा मिलता है उसके नतज में सुकून और सुख मिलता है आसाइश मिलती है कोई भी पहलू हो लेकिन अगर मकसद सकून रख लिया जाए तो वो जो बुनियाद है उससे बंदा हिल जाएगा हिल जाएगा चूँकि मकसद जो है मखलूक का वो खालि का हुक्म मानना है वो इबादत के लायक है उसने इबादत को पैदा फरमाया है ये बुनियाद है।, है और कोई शह भी जब बिलल भाई बुनियाद पर होती है ना तो वो स्ट्रेट होती है मज़बूत होती है तो जब ज़िंदगी अपने बुनियादी पैराव पर आएगी तो लाह उसमें सकून और सुख आएगा भले जा हालात सख्त भी हों उसके अंदर ठहराओ हो होगा